हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश बडाना और आपका स्वागत है मोटो मैकेनिक के एक और वीडियो में। आज हमारे सामने है हीरो फ्लैश, जो कि हीरो की तरफ से एक ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं, कौन से कलर में ये अवेलेबल है, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं और माइनस पॉइंट क्या हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। अगर आप इस स्कूटर के अलावा अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर देखना चाहते हैं, चाहे वो हीरो की तरफ से हो या अदर कंपनी की तरफ से हो, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर काफ़ी वीडियोस मिलेंगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बनाई हुई है। अगर इसके कलर अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन कलर मिलेंगे इस गाड़ी में। सबसे पहला है सिल्वर, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा रेड और व्हाइट कलर में भी ये अवेलेबल है आपको। अब मैं लेकर चल रहा हूँ आपको फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर आपको हैंडल पर ही मिल जाएंगे और इसके जस्ट नीचे एक लोगो है हीरो का और वहीं पर हेडलाइट दी हुई है जिसके अंदर एलईडी बल्ब दिया गया है। ये एलईडी बल्ब उसी तरीके का है जैसे कि हीरो ऑप्टिमा और हीरो फोटोन में दिया गया है। इसके पास में ही इलेक्ट्रिक की स्टिकरिंग दी गई है। अब चलते हैं फ्रंट सस्पेंशन की तरफ। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, एलॉय व्हील रिम्स के साथ में सीएट के टायर भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको लिथियम पावर्ड का स्टिकर दिया गया है, वो इसलिए है कि आपको यहाँ पर फ्लैश दो वेरियंट में मिलेगा। आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं मॉडल, ये लिथियम आयरन के साथ में है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है लेड एसिड बैटरी के मुकाबले। अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको राइट साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं कि ये राइट साइड से किस तरीके का दिखता है। सबसे पहले बात करें लेग स्पेस की, तो यहाँ पर लेग स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। हीरो ऑप्टिमा के मुकाबले यहाँ पर आपको लेग स्पेस ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ पर अपने पैर बड़े आराम से रख सकते हैं। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा भी है तो आपको बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। साथ ही स्पेस के हिसाब से आप यहाँ पर कुछ सामान भी रख सकते हैं। और शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्कूटर के आगे जो स्पेस रखा रहता है वो इंडियन फैमिली में कितना काम में आता है सामान वगैरह रखने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी सीट की। तो आप ये बात तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ रहता है, थोड़ा कठोर रहता है। तो इसके कारण जो है आपकी राइडिंग ख़राब ना हो तो आपको सीट का जो कुशनिंग है वो अच्छी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीट के जस्ट पीछे एक स्टैंड दिया गया है क्रोम फिनिश में, जो कि मेटल का है, काफ़ी मजबूत है। आप इसके ऊपर टॉप अप बॉक्स लगा सकते हैं एक्स्ट्रा लगेज के लिए। सीट के जस्ट नीचे आपको क्रोम फिनिश में बेजिंग दी गई है 3D हीरो फ्लैश की और साथ ही एलेक्स का स्टिकर दिया गया है और इसी के पास में स्टिकर दिए गए हैं। आपको जो 3D बेजिंग दी गई है और स्टिकर दिए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब कुछ मिला के ऐसा लगता है कि ये हाई परफॉर्मेंस स्कूटर है, भले ही फ्लैश एक लो स्पीड स्कूटर है। रियर साइड सस्पेंशन में आपको ड्यूल कॉइल शॉकर्स दिए गए हैं और इसी के साथ में रियर टायर में आपको 250 वाट की BLDC मोटर दी गई है जो कि वाटरप्रूफ है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ रियर साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड टेल लाइट दी गई है, इसी के अंदर आपको टेल लैंप मिलेगा, इसी के अंदर जो है आपको इंडिकेटर लाइट मिलेगी। आप देख सकते हैं वीडियो में ये काफ़ी अच्छी लगती है और स्कूटर के अंदर जो लुकिंग है उसको काफ़ी इन्हेंस करती है, एक प्रीमियम लुक देता है। इसी के नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है और उसके जस्ट नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि सेफ्टी फीचर के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। अब चलते हैं इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं हमें वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में एक स्विंग आर्म का कवर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी स्विंग आर्म काफ़ी पतली आती है और अगर ये कवर ना हो तो स्विंग आर्म काफ़ी भद्दी लगती है। तो उसको कवर करने के लिए ये कवर काफ़ी काम में आते हैं और काफ़ी लुक को एनहेंस करते हैं। आपको यहाँ पर मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों मिल जाएंगे, जिसको कि आप अपनी इच्छा के अनुसार और सुविधा के अनुसार यूज में ले सकते हैं। प्लेन राइडर के पैर रखने की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमा के जैसे फुटरेस्ट नहीं दिया गया है, जो कि फोल्डेबल था उसके अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अब चलते हैं हैंडल के पास में और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस इतना है कि आप वाटर की बोतल रख सकते हैं और साथ ही अगर कोई डायरी वगैरह हो तो रख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर हुक दिया गया है जिसमें आप कोई आपका कैरी बैग है तो उसको आप टांग सकते हैं, आपको अलग से सीट खोल कर उसको नहीं रखना पड़ेगा। अगर इसकी कीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कीज़ दी गई हैं। इसमें आपको आगे और पीछे हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। अब एक बार की को लगा के मैं क्लस्टर मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको किसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे क्लस्टर मीटर जो है फुल्ली डिजिटल दिया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बैटरी के परसेंटेज आपको मिलेगी, साथ में गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है वो आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, ऑडोमीटर की रीडिंग ज़रूर मिल जाएगी और साथ ही बैटरी का वोल्टेज कि कितने वोल्टेज बचे हैं बैटरी में वो आपको इसमें सब कुछ शो होने वाला है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे हाई बीम और लो बीम के लिए, इंडिकेटर के लिए और हॉर्न के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। REVM की क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक मिलने वाली है। और राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर हेडलाइट का स्विच दिया गया है और एक आपको USB का पोर्ट मिल जाएगा
जिससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको चार्जिंग पॉइंट की तरफ कि चार्जर कहाँ पे लगता है कि जिससे बैटरी चार्ज होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट है जिससे कि आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद में कई व्यूअर्स का क्वेश्चन रहता है कि बैटरी रिमूवेबल है या नहीं है और सीट के नीचे कितना स्पेस दिया गया है, हम वहाँ पर हेलमेट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम वीडियो में आगे चलते हैं और एक बार सीट ओपन करके देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक लॉक दिया गया है जिसमें आप की को लगा के कुछ इस तरीके से सीट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्जर दिया गया है, बिकॉज ये एक सिंगल बैटरी स्कूटर है तो आपको एक ही चार्जर मिलेगा इसके अंदर, और इसी के साथ में एक टूल किट और फर्स्ट एड किट भी मिलेगा। इसी के साथ में एक यूज़र मैनुअल दिया गया है जिसको आप पढ़कर पूरा जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आपको ऑपरेट करनी है। ये चार्जर एक स्मार्ट चार्जर है और अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 58 वोल्टेज और 6 एम्पीयर के साथ में आता है। तो इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं और बैटरी की लोकेशन देखते हैं कि बैटरी कहाँ पर रखी हुई है। तो अगर आप बैटरी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कवर हटाना पड़ेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी रिमूवेबल है। आप इसको रिमूव कर सकते हैं और अपनी मनपसंद जगह पर आप इसको चार्ज करके दोबारा से इसको इसी जगह पर लगा सकते हैं। अगर अंडर सीट स्पेस की बात करें तो आप वीडियो में देख सकते हैं, फुल साइज हेलमेट तो बहुत दूर की बात है, आप यहां पर चार्जर के साथ में एक स्मॉल साइज हेलमेट भी नहीं रख पाएंगे। इसी के पास में एक MCB स्विच दिया गया है। कुछ व्यूअर्स को अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि अगर आप बैटरी चार्ज रख रखे हैं इसके अंदर और कहीं आपका निकलना हो रहा है और आप इसको 3-4 दिन तक स्कूटर को नहीं चलाएंगे तो आप MCB स्विच को ऑफ करके जाएं ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो खड़ी खड़ी गाड़ी में, और जब भी आप आएँ तो आपको बैटरी रिचार्ज मिले, आप इसको यूज़ में ले सकें, तो वहां पर आपको ये स्विच काम में आता है। दोस्तों इसकी जो ऑन रोड प्राइस है राजस्थान में वो है 56,340। मुझे कुछ कमेंट आते हैं कि इसकी प्राइसिंग डिफरेंट है, तो आपको पता है कि स्टेट वाइज जो है सब्सिडी डिफरेंट होती है और उसके हिसाब से प्राइसिंग ऑन रोड जो है वो ऑब्वियसली चेंज होती है। अगर इसकी वारंटी की बात करें जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो आपको 3 साल की वारंटी मिलने वाली है बैटरी पे, मोटर पे, चार्जर पे और कंट्रोलर पे। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये 25 से 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ेगी। अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको फुल चार्ज के लिए 4 से 5 घंटे देने होंगे और एक बार फुल चार्ज होने पे ये 60 से 65 किलोमीटर की रेंज देने वाली है आपको। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी माइनस पॉइंट की और प्लस पॉइंट की। तो माइनस पॉइंट में अगर बात करें तो अंडर सीट स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरा इसका माइनस पॉइंट है वो है इसकी स्पीड। अगर आप थोड़ा सिटी से निकल कर हाईवे की तरफ आते हैं तो 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड आपको थोड़ा कम लग सकती है। साथ ही अगर इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी एवरेज मिलने वाली है। सीट के नीचे स्पेस भले ही ना हो बट लेग स्पेस आपको अच्छा मिलने वाला है। बैटरी जो है इसमें रिमूवेबल है, आप इसको निकाल के चार्ज कर सकते हैं और सहूलियत के हिसाब से इसमें वापस लगा सकते हैं। हीरो के इस मॉडल का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये भी है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये एक नॉन RTO मॉडल है हीरो का। इसी के साथ एक प्लस पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि हीरो के जो सर्विस स्टेशन है वो अदर इलेक्ट्रिक कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा हैं, तो आपको सर्विस के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।